वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। प्रीवियस मैथ सेशन में 9M 2.4 का सेकंड टॉपिक हमने खत्म कर दिया था, विच वॉज फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी योर फाइनल टॉपिक ऑफ फैक्टर थियरम, दैट इज फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थियरम, कि फैक्टर थियरम की मदद से हम कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं वन बाई वन। अब फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम के लिए हम इसमें रिवर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, बट रिवर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम यूज करने से पहले हमें यहाँ पे दो थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं, दैट इज वन इज इंटीग्रल रूट थ्योरम एंड वन अदर इज रेशनल रूट थ्योरम। अब ये इंटीग्रल रूट थ्योरम और रेशनल रूट थ्योरम वो डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का दिया जा रहा है। इंटीग्रल रूट थ्योरम और रेशनल रूट थ्योरम, ये इंटीग्रल रूट थ्योरम और रेशनल रूट थ्योरम के शॉर्ट फॉर्म है एस पर क्वेश्चन। अभी लिखो मत, मैं आपको टाइम दूंगा। चलो तो पहले इन दोनों थ्योरम को हम समझ लेते हैं, इंटीग्रल रूट थ्योरम और रेशनल रूट थ्योरम आपके क्या है। First, let us understand integral root theorem. Then we will understand rational root theorem. Short form तो आपको दोनों का पता चल गया है। अब integral root theorem आपको तब use करना है जब leading coefficient one हो, rational root theorem आपको तब use करना है जब leading coefficient other than one हो, right? बट उससे पहले आपको मुझे ये बताना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। इंटीग्रल रूट थ्योरम आपको तब यूज करना है व्हेन योर लीडिंग कोएफिशिएंट इज वन। रैशनल रूट थ्योरम आपको तब यूज करना है जब लीडिंग कोएफिशिएंट इज अदर देन वन। हु विल टेल मी अबाउट लीडिंग कोएफिशिएंट? Yes, anyone? Leading coefficient आपका क्या हो जाएगा? Leading coefficient, ठीक है, समझो। जो भी आपको polynomial दी गई है students, polynomial division में हमने पहला step क्या पढ़ा था? अगर मान लो आपको polynomial को divide करना है, what is its first step? Descending power में हम लिखते थे। हाँ, yes, Amrit, right? Your answer is correct. Leading coefficient आपका वो हो जाता है, वो वाले term का coefficient जिसमें x की power maximum है, right? अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल आपके पास ऐसी है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 4 है, तो x की पावर मैक्सिमम पावर जो 4 है वो वाले टर्म में जो उसका कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा उसका लीडिंग कोएफिशिएंट। ये पता चल रहा है एवरीवन? कोई पॉलिनोमियल ऐसी है जिसमें आपकी मैक्सिमम पावर x टू द पावर 5 है, तो वहां पे उसका लीडिंग कोएफिशिएंट हो जाएगा x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जो आपका लेवल 2 है इन क्लास एक्सरसाइज में, उसमें जितने भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं आपको टोटल, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट? बट उसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट? ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये दिखाओ स्टूडेंट्स, ये बताओ यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा ये वाली पॉलिनोमियल में? ये वाली पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड करते थे? द टर्म विच इज हैविंग मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर ऐसी वाली टर्म जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर है उसका कोएफिशिएंट क्या है, राइट? व्हाट इज इट्स न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्स टू द पावर 4, 2, यहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। चलो इसके नीचे वाली पॉलिनोमियल में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा? वन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये वाली पॉलिनोमियल में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा?
9. ये वाले पॉलिनोमियल में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3. 2. 3? 2. नहीं, 2. राइट, यस. सो लीडिंग कोएफिशिएंट सबको क्लियर हो गया एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट, चलो अब इंटीग्रल रूट थ्योरम कौन से पॉलिनोमियल में लगेगा जहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है? लीडिंग कोएफिशिएंट 1 कौन से पॉलिनोमियल में? क्वेश्चन नंबर 5 के पॉलिनोमियल में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है. हाँ या ना? तो यहाँ पे इंटीग्रल रूट थ्योरम लगेगा. राइट, इन क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं उस मेथड से कर रहा हूँ तो इंटीग्रल रूट थ्योरम. यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे भी 1 नहीं है, यहाँ पे भी 1 नहीं है, तो इन सब जगह कौन सा थ्योरम लगेगा? रेशनल रूट थ्योरम. रेशनल रूट थ्योरम, रेशनल रूट थ्योरम. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? पहले वो कब अप्लाई होगा वो हम समझ रहे हैं, उसमें क्या अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई करना है, वो थ्योरम क्या है वो अभी समझेंगे. ओके, पहले वो थ्योरम किस पे अप्लाई होगा वो हम समझ रहे हैं. ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है फिर हम आगे क्या कर सकते हैं? वन ऑफ द फैक्टर और वन ऑफ द रूट ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो विल बी फैक्टर्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म विथ प्लस और माइनस साइन. ये आपका इंटीग्रल रूट थ्योरम बोलता है. इंटीग्रल रूट थ्योरम आपको ये बोलता है कि अगर पॉलिनोमियल में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो उसका एक रूट, वन ऑफ द रूट ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. पी ऑफ एक्स का जीरो आपको पता है एवरीवन, राइट? या मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं वन ऑफ द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स. राइट, ऐसी वैल्यू एक्स की जिसके लिए पी ऑफ एक्स का आंसर जीरो आ जाएगा. वन ऑफ द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स विल बी फैक्टर्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म विथ प्लस और माइनस साइन. इसे समझने की कोशिश करते हैं. जैसे अभी हमने देखा कि इंटीग्रल रूट थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं आपके जितने भी हमने एग्जांपल देखे उसमें से एक क्वेश्चन नंबर 5 में. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आप कांस्टेंट टर्म देख के मुझे बता सकते हो कांस्टेंट टर्म कौन सी है? इन क्वेश्चन नंबर 5 कैन यू टेल मी व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो जाता है जिसमें x अवेलेबल ना हो? यस, 3 और -3, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल. राइट, 3. चलो अब मुझे ये बताओ 3 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? 3 के कितने फैक्टर्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स? 2 ओनली. राइट, एंड व्हिच आर दोस 2 फैक्टर्स? 1 and 3. बट यहाँ पे एक चीज हमें बोली गई है कि हम फैक्टर्स में प्लस और माइनस साइन को ऐड करेंगे. राइट, तो अगर मैं 1 को प्लस और माइनस साइन से लिखता हूँ तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्लस 1 माइनस 1. 3 को प्लस और माइनस साइन से लिखता हूँ तो वो आपका प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? प्लस 1 माइनस 1, प्लस 3 माइनस 3. तो अब देखो यहाँ पे जो आपकी पॉलिनोमियल है वो क्या है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. एज पर इंटीग्रल रूट थ्योरम, एज पर इंटीग्रल रूट थ्योरम अगर लीडिंग कोएफिशिएंट किसी पॉलिनोमियल का 1 है तो वन ऑफ द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल विल बी फैक्टर्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म विथ प्लस और माइनस साइन. मतलब ये पॉलिनोमियल के इन सब में से एक फैक्टर, एक जीरो हो सकता है, वेदर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 या माइनस 3. अब इन चार में से वो कौन सा होगा वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? ट्रायल एंड एरर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्रायल एंड एरर मींस वन बाय वन हम इन चारों को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि इन चारों में से किसके लिए आंसर जीरो आ रहा है. सपोज मैं 1 के लिए चेक कर रहा हूं, पी ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1 टू द पावर 4 2 टाइम्स 1 क्यूब माइनस 2 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस 3. तो ये 2 माइनस 2 कैंसल, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 कैंसल, ये 0 आ जाएगा एवरीवन. सो कैन आई से हियर 1 इज 0 ऑफ पी ऑफ एक्स? हियर 1 इज वन ऑफ द 0 ऑफ पी ऑफ एक्स. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. क्या ये पता चल रहा है? राइट, अब ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें से सिर्फ एक ही हो. राइट, सो वन ऑफ द 0 ऑफ पी ऑफ एक्स विल बी, यहाँ पे मैं एक और वर्ड यूज एड कर सकता हूँ, दैट इज एटलीस्ट.
राइट, उससे ज्यादा जीरोस भी आपको यहां से मिल सकते हैं एटलीस्ट. वन ऑफ द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स विल बी, जैसे मान लो यहां पे हमने वन के लिए चेक किया तो, और एक चीज है, एक कुछ थंब रूल्स है, जैसे प्लस वन होगा तो फिर माइनस वन नहीं होगा, समझना. अगर प्लस वन हो रहा है तो माइनस वन नहीं होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरी वन? हाँ है ना, ये याद रखना, ये कुछ थंब रूल है. राइट, तो माइनस वन के लिए अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं दिखा देता हूँ. माइनस वन टू द पावर फोर वन, माइनस वन क्यूब माइनस वन, ये माइनस टू हो जाएगा. माइनस वन स्क्वायर प्लस वन, अगेन माइनस टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस टू माइनस टू, माइनस सिक्स माइनस थ्री, माइनस नाइन प्लस वन माइनस एट, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. पी ऑफ थ्री को चेक करते हैं, थ्री टू द पावर फोर प्लस टू टाइम्स थ्री क्यूब माइनस टू टाइम्स थ्री स्क्वायर प्लस टू टाइम्स थ्री माइनस थ्री. थ्री टू द पावर फोर इज 81, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27, थ्री जा 81, थ्री क्यूब 27, 27 टू जा 54, थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन टू जा 18, थ्री टू जा 6, एंड दिस इज योर माइनस थ्री. डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर्स का सम ज्यादा होगा, नेगेटिव कम होगा, तो ये भी आपका जीरो नहीं है. बट पी ऑफ माइनस थ्री अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो माइनस थ्री टू द पावर फोर वो पॉजिटिव होगा, माइनस थ्री क्यूब वो नेगेटिव होगा, तो ये माइनस 54 नेगेटिव आ जाएगा, माइनस थ्री स्क्वायर पॉजिटिव होगा, माइनस 18 एज इट इज, माइनस थ्री इंटू टू इट विल गिव यू माइनस सिक्स माइनस थ्री. चलो चेक करो, तो ये सिक्स और थ्री आपके हो जाएंगे नाइन, 18 और थ्री आपका हो जाएगा 27, 54 और 27, 7 प्लस 4 11, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 81 माइनस 81 ये हो जाएगा आपको जीरो. सो वन एक पी ऑफ एक्स का जीरो है, माइनस थ्री पी ऑफ एक्स का अदर जीरो है, माइनस थ्री इज ऑल्सो जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स. इंटीग्रल रूट थियरम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. का इंटीग्रल रूट थियरम क्लियर हुआ? राइट, दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रल रूट थियरम. मैं अभी सिर्फ आपको इंटीग्रल रूट थियरम समझा रहा हूँ. राइट, इंटीग्रल रूट थियरम से फिर बाकी के फैक्टर्स कैसे निकालने हैं वो बाद में, उसमें हम अलग अलग मेथड्स को कंबाइन कर सकते हैं. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को कंबाइन कर सकते हैं, पॉलिनोमियल डिवीजन को कंबाइन कर सकते हैं. पॉलिनोमियल डिवीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पढ़ चुके हैं, बट पहले मैं सिर्फ आपको इंटीग्रल रूट थियरम समझा रहा हूँ. इंटीग्रल रूट थियरम क्लियर हो गया? हाँ, इसका यूज कहाँ पे आएगा वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर ही है. राइट, विदाउट पॉलिनोमियल डिवीजन हाउ वी कैन फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल. ओके, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए विदाउट डिवीजन फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज दिस. ओके, राइट, इसलिए मैंने ऊपर लिखा फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम में पहला स्टेप ये है. बाकी के स्टेप्स क्या होंगे वो वन बाय वन लिखेंगे, पहले ये सिर्फ पहला स्टेप समझ लो. स्टेप के अंदर ही मैं इंटीग्रल रूट थ्योरम और रेशनल रूट थ्योरम समझा रहा हूँ. इंटीग्रल रूट थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर? वर्षा, बीजी, सांकेति, निष्का, एवरीवन? यस सर. ओके, सुशांत, चलो. यस सर. नेक्स्ट, रोहन इज टेलिंग सर व्हाट इफ द पॉलिनोमियल डजंट हैव अ कांस्टेंट. तो हम अप्लाई नहीं कर सकते रोहन. पॉलिनोमियल में अगर कोई कांस्टेंट नहीं, मतलब वो पॉलिनोमियल आपकी कैसी होगी, मैं आपको समझाता हूँ. जैसे मान लो इसी में आप कांस्टेंट को निकाल दो तो एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हो जाएगा. तो वहां पे पहले आप एक्स कॉमन निकाल दो ये पॉलिनोमियल में से. जैसे आप एक्स कॉमन निकाल दो क्यूबिक बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू. ठीक है, फिर ये आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा. पता चला रोहन? राइट, फिर आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई करना है फैक्टराइजेशन. ओके, सो नाइस क्वेश्चन. राइट, अब नेक्स्ट, अब एक रेशनल रूट थ्योरम का क्वेश्चन देख ले एवरीवन. पहले रेशनल रूट थ्योरम को समझ लेते हैं, उसका एग्जांपल देख लेते हैं. राइट सर, व्हाट इफ द कांस्टेंट हैज मोर फैक्टर्स. इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, अगर कांस्टेंट के लिटरली ज्यादा फैक्टर्स मिलेंगे, ऐसा छोटो छोटो क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उसमें पूरा नहीं करना है, हर एक के लिए आपको चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही वैल्यू चेक करनी है. ठीक है, जिसके लिए जीरो आ जाए, जिसके लिए जीरो आ जाए, खत्म. हाँ, राघवेश टेलिंग सर व्हाट इफ इट हैज माइनस वन. माइनस वन मीन्स कॉन्स्टेंट ऑफ माइनस वन हो, ऐसा आप बोल रहे हो सर? यस सर, इफ माइनस एक्स टू द पावर फोर. माइनस एक्स टू द पावर फोर मीन्स यहाँ पे इधर पीओ, दिस यू आर टेलिंग? यस सर. क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया है, लाइक दैट यू आर टेलिंग? नो सर, इफ इट हैज वी हैव टू डू इट द सेम वे और डिफरेंट. फर्स्ट स्पेसिफाई योर क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन के अंदर माइनस एक्स टू द पावर फोर दिया है, ऐसा बोल रहे हो? नो सर, इट्स गिवन. आई एम आस्किंग व्हाट इफ इट वाज एक्स. दैट ओनली आई एम टेलिंग ना. यू आर आस्किंग दैट इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट माइनस एक्स टू द पावर फोर, यू आर टेलिंग राइट?
That only your concern. That is only your question, correct? Yes. हाँ, okay. Don't worry. Just we need to simplify. तो power 4 minus को भी मिल जाएगा और x को भी मिल जाएगा. Minus 1 to the power 4 will be 1. And this will be x to the power 4. So, अगर question में आपको minus x to the power 4, minus x cube, minus x square दिया है, तो question के अंदर ही पहले आप simplify कर दो. Okay? Raghvi, यही था ना question? Right? हाँ. Clear? चलो, अब इधर ध्यान दो students. जैसे यहाँ 1, एक 0 है p of x का, minus 3 उसका दूसरा 0 है p of x का. आप एक ही मिलेगा तो चलेगा. अब ये 0 से आप factor लिख सकते हो. Factor theorem का reverse जाना है. Right? जैसे factor theorem में क्या था, याद करूं. If x minus a is factor of p of x, we were writing p of a equal to 0. हाँ या ना? Everyone. Do you remember this? हाँ या ना? Right? अगर 1 उसका 0 है, तो factor क्या हो जाएगा? अगर 1 0 है, can I say that x minus 1 is factor of p of x? Please give me some response. जैसे ये x, ये minus 3 उसका factor है, तो मैं लिख सकता हूँ x plus 3, minus 3 उसका 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ x plus 3 is factor of p of x. Can I write like this, everyone? मैंने आपको बोला था यहाँ पे हम factor theorem को reverse में use करने वाले हैं. Is this clear? Right? या फिर on simple words, x equal to 1 is one of the 0 implies x minus 1 is one factor. X is equal to minus 3 is one of the 0. X plus 3 is factor. यहाँ तक clear है? Plus 1 है तो वो minus 1 हो जाएगा. Minus 3 है तो plus 3 हो जाएगा. जब हम 0 लिखते हैं और factor लिखते हैं, right? ये difference तो सबको clear होगा. इंटीग्रल रूट थ्योरम क्लियर एवरीवन? ओके, चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रैशनल रूट थ्योरम. तो रैशनल रूट थ्योरम आपको तब अप्लाई करना है जब लीडिंग कोएफिशिएंट उसका 1 नहीं है. तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो वो कुछ ना कुछ होगा, राइट? तो वो टाइम पे आप क्या कर सकते हो, वो टाइम पे जो आपने इंटीग्रल रूट थ्योरम में किया आपको वैसा ही करना है. बट यहाँ पे एक चीज ज्यादा हो जाएगी, आपको सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म के फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, बट आपको लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर्स भी निकालने हैं. सो यहां पे आपका हो जाएगा एटलीस्ट वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और ऑफ पी ऑफ एक्स विल बी फैक्टर्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म divide by factors of leading coefficient with plus or minus sign. Factors of constant term divided by factors of leading coefficient with plus or minus sign. समझाता हूँ. Example से ही सारी चीजें clear होंगी, क्योंकि Einstein ने क्या बोला था? Tell me. आपके school में भी लिखा हुआ है ये quote. Do you remember this? Or no? नहीं, आपके class में नहीं बोला था? Example is not an effective way of teaching. It is the only way of teaching. Okay, yes. Example से teaching effective नहीं होती, but example is the only way of teaching, right? Sure. कोई unmute हो गए हैं, please mute yourself, Anvita. ठीक है, चलो अब इधर ध्यान दो. इसका मैं आपको एक example दिखाता हूँ. जैसे आप ही के module के example देते हैं, देखते हैं. ये आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे मान लो पहला वाला ही ले लेते हैं, राइट? 2x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, राइट? अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं. यहाँ पे हमें रैशनल रूट थ्योरम यूज करना है. चलो पहले लीडिंग कोएफिशिएंट आपको पता है कि वो 1 नहीं है. लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे आपका 2 है, कॉन्स्टेंट टर्म है 2. तो अब आपको लीडिंग कोएफिशिएंट भी यूज करना है और कॉन्स्टेंट टर्म भी यूज करना है, राइट? दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं, दोनों के फैक्टर्स सेपरेटली निकालने हैं. पहले डिवाइड नहीं करना है, पहले आपको फैक्टर्स निकालने हैं. समझ रहे हो स्टूडेंट्स, राइट? चलो तो पहले ये वाले 2 के हम फैक्टर्स निकालते हैं जो आपके कॉन्स्टेंट टर्म है. इसके फैक्टर्स कितने निकलेंगे?
Tell me. Factors of 2 will be 2 and 1. And जब हम उसमें प्लस और माइनस साइन ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पहले सिर्फ अभी 2, पहले रहने दो, पहले सिर्फ 2 एंड 1 रखो. हम देखो यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो करेंगे. यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? पहले फैक्टर्स लेना है कॉन्स्टेंट टर्म का, फिर फैक्टर्स लेना है लीडिंग कोएफिशिएंट का, राइट? उसके बाद आपको डिवाइड करना है, फिर आपको प्लस और माइनस साइन ऐड करनी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट. तो ये कॉन्स्टेंट टर्म के फैक्टर्स, चलो ये लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर्स, सेम अप्लाई चीज, सेम चीज अप्लाई होगी. दिस फैक्टर्स ऑफ 2 विल बी 2 बाय 1, राइट. अब आपको डिवाइड करना है. चलो अब आप डिवाइड कैसे करोगे समझना, ये चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. यहाँ पे यही चीज में प्रॉब्लम होती है. पहले आपको इससे इसको डिवाइड करना है, राइट. दिस विल बी योर न्यूमिरेटर. डिविजन के लिए ये आपका हो जाएगा न्यूमिरेटर एंड दिस विल बी योर डिनोमिनेटर. ओके, लीडिंग कोएफिशिएंट आपका डिनोमिनेटर होगा. तो न्यूमिरेटर में जब आप ये 2 ले रहे हो तो 2 के साथ किस किस को डिवाइड कर सकते हो? यू कैन डिवाइड दिस 2 एज वेल एज यू कैन डिवाइड दिस 1. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. 2 से 2 को डिवाइड कर सकते हो और 2 से 1 को डिवाइड कर सकते हो, राइट. टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन. एक एक करके सबने ऑफ कर दिया तो ये 2/2 मिलेगा और ये 2/1 मिलेगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, ये क्लियर हुआ. चलो नेक्स्ट. अब न्यूमिरेटर मान लो आपका 1 है, 1 को आप डिवाइड कर सकते हो. आपका डिनोमिनेटर हो सकता है वेदर 2 या 1. तो जब आप 1 को डिवाइड करोगे 2 या 1 से, सो 1/2 इज 1/2 एंड 1 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1/1. यहां तक क्लियर हुआ? ये सारे अलग अलग डिविजन क्लियर हुए? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. स्टेप 1 था सारे फैक्टर्स निकालना, स्टेप 2 था उनका डिविजन करना, राइट. यहाँ पे हमने डिविजन किया, ये स्टेप के अंदर स्टेप्स हैं. अब यहाँ पे आपको कौन सी चीजें मिल रही है वो देख लो. 2/2 यहाँ पे मिल रहा है 1, 2/1 मिल रहा है ओनली 2, 1/2 दैट इज 1/2 ओनली, 1/1 इज ओनली 1. बट 1 ऑलरेडी आपने आगे लिख दिया है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. पता चला एवरीवन? हाँ या ना? प्रतीका, राघवी, सांकेती, निष्का, आकाश, अश्विनी, प्रांजन, राघवी. फिर हम इन सब में प्लस और माइनस साइन ऐड कर देंगे. प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस. ये क्लियर हुआ पहले स्टूडेंट्स? राइट, टेल मी यस इफ यू एग्री. ये पहले क्लियर हुआ यहां तक? सो अकॉर्डिंग टू रैशनल रूट थ्योरम, ये 6 में से कोई एक रूट हो सकता है. अब उसको चेक करते हैं कि इनमें से आपका कौन सा रूट होगा या नहीं, राइट. बारी बारी से सारी वैल्यू रखे. तो पहले प्लस 1 और माइनस 1 रखते हैं. तो पी ऑफ 1 विल बी 2 टाइम्स 1 टू द पावर 4 1, 5 टाइम्स 1 क्यूब 1, 2 टाइम्स 1 स्क्वायर 1, माइनस 1 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 विल गिव यू 0. क्या पी ऑफ 1 यहाँ पे एक फैक्टर है? मतलब पी ऑफ 1 आपका यहाँ पे एक 0 है एवरीवन, राइट. हाँ या ना? यस सर, राइट. सो 1 इज 0 हियर. फिर पी ऑफ माइनस 1 के लिए चेक करते हैं. सो माइनस 1 के लिए ये आपका 2 एज इट इज, ये हो जाएगा प्लस 5, राइट. देन प्लस 2x स्क्वायर विल बी प्लस 2, ये आपका हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा. P of 2 चेक करो स्टूडेंट्स, 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 5 इट विल गिव यू 32, 2 क्यूब 8, 8 5 जा 40, 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, देन माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पे भी 0 हो रहा है. 2 माइनस 2 कैंसल, 40 माइनस 40 कैंसल. इसी तरीके से आप सारे चेक कर सकते हो एवरीवन. अब ये आपके क्वेश्चन पे होगा रिक्वायरमेंट कि आप इसी तरीके से पूरा ट्रायल एंड एरर कर रहे हो कि एक दो फैक्टर फाइंड करने के बाद आप डिवीजन या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई कर रहे हो. वो मैं आपको लेटर ऑन दिखाऊंगा क्वेश्चंस में. पहले क्या है, आपको यहाँ पे रैशनल रूट थ्योरम क्लियर हो रहा है एवरीवन, राइट. इसी तरीके से आपको पी ऑफ माइनस 2 आप चेक कर सकते हो, आप पी ऑफ हाफ चेक कर सकते हो एंड पी ऑफ माइनस हाफ चेक कर सकते हो. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. आसान है? यस सर, राइट. Easy. Sir, what if there are more than one constant in a polynomial? More than one constant possible ही नहीं है ना. मान लो अगर more than one constant है, आप उनको add या subtract कर सकते हो, right? Suppose मान लो polynomial के अंदर आपको ऐसा दिया है, ये पूरा x का term है, उसके बाद plus 5 minus 4 दिया है. Just you can simplify plus 5 minus 4 will be 1. तो वो एक ही constant बचेगा. Clear? Yes, sir. हाँ, yes. Right, summer, whatever you are asking, that is yes. The answer of it is yes. Right? चलो, तो अब मैं आपको टाइम देता हूं लिखने के लिए स्टूडेंट्स. ये आपको पहले लिख देना है. हाँ,
Now Shivansh is asking sir what will be if constant will be like root 2. ऐसे कॉन्स्टेंट आपको नहीं आएंगे बट अगर वो रूट टू आ भी रहा है तो उसके फैक्टर्स यही होंगे रूट टू इंटू वन. दैट्स इट. ओके चलो पूरा जूम आउट करूंगा तो इतना छोटा हो जाएगा. सो बेटर मैं पहले आपको एक लेफ्ट पोर्शन दिखाता हूं फिर आप राइट पोर्शन लिखो. ओके एवरीवन सो फर्स्ट नोट डाउन दिस लेफ्ट पोर्शन. आप पहले इतना चार्ट नोट डाउन कर दो फिर उसके नीचे वाला एग्जांपल लिख दो. ओके सो लेट अस स्टार्ट योर रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.4. कैन यू सी दिस लेवल टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑन स्क्रीन एवरीवन. राइट विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 is exactly divisible by x square minus 3x plus 2. मुझे ये बताओ students, एक polynomial दूसरे polynomial से exactly divisible कब हो सकती है? Divide करके remainder जब 0 आता है. Yes, very good Akash. Oh, there is power cut in my area.